हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ ज्ञानी स्पीक्स यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वुमेन एंड इंडिया वुमेन के बीच में जो पहला सेमीफाइनल मुकाबला आज शाम को 6:30 बजे से खेला जाएगा, इसी के बारे में। अच्छा, फर्स्ट हम एक बेस टीम बना लेंगे 6 से 7 प्लेयर का, जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर्स, वो प्लेयर्स जो आपके ओपोनेंट के टीम में होंगे वो हमारे टीम में पहले हम ले लेंगे। जैसे कि एलिस पेरी 83% सिलेक्शन, दीप्ति शर्मा एंड एशले गार्डनर, ये तीनों प्लेयर सबसे पहले हमारे टीम में आ जाएंगे। उसके बाद बॉलिंग सेक्शन में मेगन शूट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वुमेन का टीम थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग है, 4 ओवर डालेंगी, डेथ में भी 2 ओवर डालती हैं, पावर प्ले में भी 2 ओवर, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रेणुका सिंह को आप चाहो तो ले सकते हो, इनका भी सिलेक्शन फिलहाल 85% है। क्या हम उनको लेंगे? हम थोड़ा सा वेन्यू स्टैट देखेंगे, थोड़ा सा प्लेयर बैटल देखेंगे, उसके बाद फाइनल जजमेंट देंगे। अब विकेट कीपिंग सेक्शन में ऋचा घोष बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रही हैं, 78% का सिलेक्शन है, और सामने आज ऑस्ट्रेलिया वुमेन है जिनका बॉलिंग अटैक काफ़ी स्ट्रांग है, तो इनका बैटिंग लगभग आ ही जाएगा, प्लस विकेट कीपिंग से भी आपको पॉइंट्स दे सकते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट लग रही हैं। बेथ मुनी एंड एलिस हेली, इन दोनों में से जो भी खेलेंगे, अगर एलिस हेली आज खेलती हैं तो विकेट कीपिंग करेंगी, फिर बेथ मुनी विकेट कीपिंग नहीं करेंगी, एज अ प्योर बैटर खेलेंगी। तो टॉस के बाद हम फाइनल डिसीजन लेंगे इन दोनों में से किन्हीं एक को लेना है या फिर दोनों के साथ ही जाना है। फिलहाल बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। मेग लेनिंग 69% सिलेक्शन, नंबर 3 पे बैटिंग करेंगी, बड़ा मैच है, बड़ा कारनामा करके आपको दे सकते हैं। बाकी स्मृति मंदाना फिलहाल 86% सिलेक्शन है, आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। तो ये 7 प्लेयर सीधे सीधे हमारे टीम में आ जाती हैं और ये बन गया हमारा एक बेस टीम, ठीक है। स्मॉल लीग अगर आप 2 मेंबर 3 मेंबर 4 मेंबर खेल रहे हो, कैप्टन वाइस कैप्टन इन्हीं दोनों में से सभी बनाएंगे, आइदर कैप्टन गार्डनर वाइस कैप्टन दीप्ति शर्मा, आइदर कैप्टन दीप्ति शर्मा वाइस कैप्टन गार्डनर, ठीक है। अच्छा, आज तक इन दोनों टीम्स के बीच में टोटल 29 T20 मुकाबले खेले गए हैं, 22 बार ऑस्ट्रेलिया वुमेन ने जीत हासिल किया, सिर्फ 7 बार इंडिया वुमेन जीते हैं, पिछले 5 में से 4 बार भी ऑस्ट्रेलिया वुमेन ने जीत के डोमिनेट किया है। रीसेंट हेड टू हेड मैचेस आपको याद ही होगा, पिछले साल एकदम आखिर में नवंबर दिसंबर के करीब ब्रेबोर्न स्टेडियम में इंडिया में ऑस्ट्रेलिया वुमेन आए थे एंड 5 T20 मैचेस का एक मुकाबला खेला गया था, एक सीरीज खेला गया था, जहां पे 4-1 ऑस्ट्रेलिया वुमेन जीते थे, ठीक है। यहां पे लास्ट जो मुकाबला खेला गया था 22 सितंबर को 196/4 ऑस्ट्रेलिया वुमेन किए थे बैटिंग फर्स्ट करते हुए, गार्डनर 66 रन्स 2 विकेट, ग्रेस हैरिस 64 नॉट आउट किए थे, टाइलर मैकग्रैथ 26 रन 1 विकेट, हीदर ग्राहम का 4 विकेट था, डार्सी ब्राउन का 2 विकेट था, दीप्ति शर्मा 53 रन 1 विकेट, हरलीन देओल 24 रन, अंजलि सरवनी देवी के वैद्य शिफाली वर्मा को 1-1 विकेट मिला था, ठीक है। उसके पहले 17 दिसंबर को एक मुकाबला जहां पे फिर से ऑस्ट्रेलिया वुमेन बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीते थे, ठीक है। एलिस पेरी बैटिंग फर्स्ट करते हुए 72 नॉट आउट किए थे, गार्डनर का फिर से परफॉर्मेंस है, ग्रेस हैरिस का नाम आ रहा है, ग्रैंड लीग के पिक बन जाते हैं अगर खेलेंगे तो, डार्सी ब्राउन का नाम फिर से आ गया, गार्डनर 2 विकेट भी निकाली थी, एलाना किंग का 2 विकेट था, हरमनप्रीत कौर 46 रन्स कब आया था, चेस करते हुए, ठीक है। ऋचा घोष का 40 नॉट आउट कब आया था, चेस करते हुए, देविका वैद्या 32, दीप्ति शर्मा का 2 विकेट, राधा यादव का 1 विकेट बॉलिंग फर्स्ट में, ठीक है। उसके पहले 14 दिसंबर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वुमेन बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीते थे, एलिस पेरी का फिर से बैटिंग फर्स्ट करते हुए परफॉर्मेंस आप चेकआउट कर सकते हो, ग्रेस हैरिस का नाम फिर से आ गया, बेथ मुनी 30, डार्सी ब्राउन का 2 विकेट, एशले गार्डनर 2 विकेट, निकोला कैडी तो नहीं है, मेगन शूट का 1 विकेट, शिफाली वर्मा 52 चेस करते हुए, हरमनप्रीत कौर फिर से चेस करते हुए 37, दीप्ति शर्मा 25 नॉट आउट 2 विकेट, रेणुका ठाकुर 2 विकेट बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, अंजलि सरवनी नहीं खेलेंगी आज, देवी के वैद्या बॉलिंग नहीं डालेंगी ज़्यादातर, ठीक है। अच्छा, उसके पहले 11 दिसंबर को इंडिया वुमेन सुपर ओवर में जाके मैच को जीते थे, बेथ मुनी का परफॉर्मेंस था 82 नॉट आउट बैटिंग फर्स्ट में, ताइला मैकग्रैथ 70 नॉट आउट, एलिस हेली 25, हीदर ग्राहम नहीं खेलेंगी आज, एशले गार्डनर 1 विकेट, एलाना किंग 1 विकेट, मंधाना 79 किए थे बैटिंग सेकंड में, मतलब चेस करते हुए ध्यान दीजिएगा, शिफाली वर्मा चेजिंग में 34, ऋचा घोष 26 नॉट आउट चेजिंग में, दीप्ति शर्मा 1 विकेट। उसके पहले ऑस्ट्रेलिया वुमेन चेस करते हुए जीते थे, काफ़ी कंफर्टेबली जीते थे, दीप्ति शर्मा 36 नॉट आउट, ऋचा घोष 30, स्मृति मंधाना 28 रन बैटिंग फर्स्ट में, यहाँ पे देवी के वैद्या 25 नॉट आउट 1 विकेट, शिफाली वर्मा 21, बेथ मुनी 89 नॉट आउट चेजिंग में, ताइला मैकग्रैथ 40 नॉट आउट, एलिस हेली 37, एलिस पेरी 2 विकेट, एनाबेल सदरलैंड 1 विकेट,
किम गार्थ का एक, एशले गार्डनर का एक। 7 अगस्त को और एक मुकाबला खेला गया था, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वुमेन बैट फर्स्ट करते हुए जीते थे। बेथ मुनी का परफॉर्मेंस है, गार्डनर का फिर से परफॉर्मेंस है बैटिंग एंड बॉलिंग से, मेगन शूट का परफॉर्मेंस, डार्सी ब्राउन का नाम बहुत बड़ा आ चुका है, जेस जोनासन का नाम आया है, हरमन का आया है चेस करते हुए। जब जब इंडिया चेस किया है ऑस्ट्रेलिया वुमेन के सामने, हरमन का नाम आया है, ध्यान दीजिएगा। रेणुका सिंह का 2 विकेट, कब? बॉलिंग फर्स्ट में, दोनों बार बॉलिंग फर्स्ट में ये 2-2 विकेट निकाली है, ठीक है। दीप्ति शर्मा 1 विकेट, राधा यादव 1 विकेट। 29 जुलाई 2022, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वुमेन चेस करते हुए जीते थे, हरमन का बैटिंग फर्स्ट में इस बार 52 आया है, शेफाली वर्मा 48, मंधाना 24, रेणुका सिंह 4 विकेट, दीप्ति शर्मा 2 विकेट, मेघना सिंह 1 विकेट। ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया में ही खेला गया था पिछले साल, ठीक है। एशले गार्डनर 52 नॉट आउट, ग्रेस हैरिस का नाम फिर से आ गया, जेस जोनासन 4 विकेट, मेगन शूट 2 विकेट, डार्सी ब्राउन 1 विकेट। अब 2021 में ये मुकाबला देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया वुमेन बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीते थे, बेथ मुनी का परफॉर्मेंस है, ताइला मैकग्रैथ का परफॉर्मेंस है, निकोला कैडी नहीं है, गार्डनर का 1 विकेट, सदरलैंड का 1 विकेट, मंधाना चेजिंग में 52, जेमेम रॉड्रिक्स 23, गायकवाड 2 विकेट, रेणुका सिंह, दीप्ति, पूजा वस्त्रकर 1-1, 1 विकेट, ठीक है। उसके पहले ऑस्ट्रेलिया वुमेन चेस करते हुए जीते थे, हरमन का 28 रन 1 विकेट, राजेश्वरी गायकवाड 3 विकेट, दीप्ति शर्मा 1 विकेट, ताइला मैकग्रैथ 42, बेथ मुनी 34, निकोला कैडी 1 विकेट, गार्डनर का 1 विकेट। उसके पहले और एक मैच जो 2020 में खेला गया था, ऑस्ट्रेलिया वुमेन बैट फर्स्ट करते हुए जीते थे, एलिस हिली का 75 बैट फर्स्ट करते हुए, बेथ मुनी 78 नॉट आउट। तो बेथ मुनी का नाम बार बार आया है, ठीक है। मेगन शूट 4 विकेट, जेस जोनासन 3 विकेट, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, दीप्ति शर्मा तो इंपॉर्टेंट है ही, राधा यादव 1 विकेट निकाले हैं। यहाँ पे 2020 फरवरी में एक मुकाबला खेला गया था, इंडिया वुमेन जीते थे 17 रन से, मतलब बैटिंग फर्स्ट किए थे, दीप्ति शर्मा 49 नॉट आउट, शेफाली वर्मा 29, जेमेम रॉड्रिक्स 26, राजेश्वरी गायकवाड 1 विकेट, हिली 51 किए हैं, गार्डनर 34, जेस जोनासन 2 विकेट, एलिस पेरी 1 विकेट। अच्छा, लास्ट के कुछ हेड टू हेड मैचेस देखने के बाद हम एलिस हेली एंड बेथ मुनी को अपने टीम में सीधे सीधे ले लेंगे, क्योंकि अगर एलिस हेली खेलती हैं वो विकेट कीपिंग करेंगी प्लस ओपनिंग करेंगी। अब हेड टू हेड मैचेस में बार बार बेथ मुनी का नाम आया है तो इंपॉर्टेंट लग रही हैं, और अगर इनको अच्छा स्टार्ट मिलता है, इनिंग को एंकर करने को देखते हैं तो लंबा खेल सकते हैं। इसलिए हम टॉप ऑर्डर के बैटर्स पे, स्पेशली जो टीम स्ट्रांग है उनके टॉप ऑर्डर के बैटर पे हम रिस्क नहीं ले सकते, बेथ मुनी हमारे टीम में इसीलिए आ जाएंगे। एलिस हेली अगर खेलेंगी तो कीपिंग करेंगी तो कीपिंग से पॉइंट्स आ जाएगा, प्लस अगर 20-25 रन भी कर गई क्विक फायर तो आपको बाउंड्रीज एंड सिक्सेस का भी पॉइंट्स दे सकती हैं, इसलिए 2 प्लेयर सीधे सीधे हमारे टीम में आ जाएंगे। अच्छा, जल्दी से दोनों टीम का प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर चेकआउट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं सीधा वेन्यू स्टैट पे। बेथ मुनी के साथ विकेट कीपर एलिस हेली खेलेंगी, मैगलेनिंग नंबर 3 पे, एलिस पेरी नंबर 4 पे, गार्डनर, ग्रेस हैरिस, ताइला मैकग्रैथ अब नंबर 7 पे बैटिंग करेंगी, ना कि नंबर 3 पे। तो हेड टू हेड मैचेस में बार बार जो आप देख रहे थे ताइला मैकग्रैथ का नाम आ रहा था, तब वो नंबर 3 पे बैटिंग करते थे, ना कि नंबर 7 पे, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर जॉर्जिया वेडहम, एलाना किंग, डार्सी ब्राउन एंड मेगन शूट। अगर टीम चाहे जिस जोनासन को खिला तो आइदर जॉर्जिया वेडहम बाहर जाएंगी या फिर एलाना किंग, क्योंकि एलाना किंग का रीसेंट फॉर्म उतना खास नहीं चल रहा। इंडिया वुमेन का प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर सेम ही रहेगा, मंदाना के साथ शेफाली वर्मा, रॉड्रिक्स, हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्रकर, शिखा पांडे, राधा यादव, रेणुका सिंह, राजेश्वरी गायकवाड़, ठीक है। अब बात कर लेंगे वेन्यू एंड पिच के बारे में। न्यूलैंड्स केप टाउन में ये मुकाबला खेला जाएगा। लास्ट मैच साउथ अफ्रीका वुमेन एंड बांग्लादेश वुमेन के बीच में 21 फरवरी को खेला गया था। पिछले 5 मुकाबला अगर आप उठा के देखोगे, देखो यहाँ पे बांग्लादेश वुमेन ने बैट फर्स्ट किया 113 for 6, साउथ अफ्रीका वुमेन आसानी से चेस किया, 10 विकेट से मैच जीते थे, एकदम आराम सुकून से चेस किए थे, ठीक है। उसके पहले इंग्लैंड वुमेन 213 for 5, यहाँ पे 99 for 9 पाकिस्तान वुमेन ने किया था, चेस नहीं हुआ। 137 for 9 एकदम लास्ट ओवर में जाके चेस हुआ था, लास्ट बॉल में, ठीक है। यहाँ पे 189 for 3 चेस नहीं हुआ, 165 for 5 चेस नहीं हुआ। तो पिछला जो 5 मुकाबला खेला गया है वुमेन्स T20 का इस वेन्यू के ऊपर, सिर्फ एक मैच अच्छे खासे तरीके से चेस हुआ है, एक मैच गिरते पड़ते एकदम आखिरी ओवर में जाके चेस हुआ है, बाकी तीनों मैचेस चेस नहीं हुए हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। पिछला जो 17 मुकाबले खेले गए हैं इस वेन्यू पे वुमेन्स T20 का, उनमें से 11 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम जीता है, तो बैटिंग फर्स्ट करने वाले टीम को थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा, वैसे भी ये हाई प्रेशर गेम है, ठीक है।
पिछले 15 मुकाबले में पेसर्स को 77 विकेट्स मिला है, फर्स्ट इनिंग में 41 विकेट, सेकंड इनिंग में 36 विकेट। राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर 76 विकेट्स निकाले हैं, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट 1 विकेट निकाले हैं। स्पिनर्स को 79 विकेट मिले हैं, तो स्पिनर भी बहुत अच्छे खासे तरीके से गेम में आते हैं, फर्स्ट इनिंग में 32 विकेट, सेकंड इनिंग में 47। तो सेकंड इनिंग वाले स्पिनर्स पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस आप कर सकते हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर 30 विकेट्स, राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर 33 विकेट्स, लेफ्ट आर्म चाइनामैन यहाँ पे 16 विकेट्स निकाले हैं। अच्छा, इस सेक्शन में हेड टू हेड स्टैट, वेन्यू स्टैट एंड रीसेंट फॉर्म हर एक प्लेयर का आपको एक साथ मिल जाएगा। जैसे कि बेथ मूनी, इनका हेड टू हेड स्टैट मतलब जब जब इंडिया वुमेन टीम के सामने खेले हैं कैसा परफॉर्मेंस किए हैं आपको यहाँ पे दिख जाएगा। 21 मैचेस खेले हैं, 48 का एवरेज है, 763 रन्स है। बैटिंग फर्स्ट करते हुए 55 का एवरेज है, बैटिंग सेकंड करते हुए 35 का एवरेज है। इस वेन्यू पे हालांकि नहीं खेले हैं, अब देखो इस वेन्यू पे ऑस्ट्रेलिया वुमेन आज तक नहीं खेले हैं, इंडिया वुमेन 3 मुकाबले खेले हैं, तीनों ही जीते हैं, ठीक है इस वेन्यू पे। एलिस हेली 24 का एवरेज है हेड टू हेड मैचेस में, 25 मैचेस 464 रन, बैटिंग फर्स्ट में 24 का एवरेज, बैटिंग सेकंड में 25 का एवरेज, रीसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा है, प्लस विकेट कीपिंग से भी आपको पॉइंट्स दे सकती हैं। मेग लेनिंग इंडिया वुमेन टीम के सामने 30 का एवरेज है, बैटिंग फर्स्ट में 30 का एवरेज, बैटिंग सेकंड में 31 का एवरेज, ओवरऑल फॉर्म सो है। एलिस पेरी 30 का एवरेज है, 25 मैचेस 357 रन और 24 विकेट भी है, बैटिंग फर्स्ट में 22 का एवरेज, बैटिंग सेकंड में 30 का एवरेज है। वेन्यू पे नहीं खेले हैं कोई भी ऑस्ट्रेलिया वुमेन का प्लेयर्स, ठीक है। एशले गार्डनर 18 मैचेस 33 का एवरेज और 19 विकेट निकाल चुके हैं, बैटिंग फर्स्ट में 35 का एवरेज है, बैटिंग सेकंड में 29 का एवरेज है, ठीक है वेन्यू पे नहीं खेले हैं। ग्रेस हैरिस 9 मैचेस 120 रन हेड टू हेड मैचेस में, वेन्यू पे नहीं खेले हैं। टाइलर मैकग्रैथ 10 मैचेस 248 रन, बैटिंग फर्स्ट करते हुए ऐसे ऐसे परफॉर्मेंसेस है, बैटिंग सेकंड में ऐसे ऐसे परफॉर्मेंसेस है, ठीक है वेन्यू पे नहीं खेले हैं। जेस जोनासन हेड टू हेड में 18 मैचेस 21 विकेट है, ठीक है बॉलिंग सेकंड में 10 मैचेस 12 विकेट, बॉलिंग फर्स्ट में 8 मैचेस 9 विकेट, वेन्यू पे नहीं खेले हैं, रीसेंट फॉर्म ठीक ठाक है। जॉर्जिया वेडहम 5 मैच 3 विकेट इंडिया वुमेन टीम के सामने, वेन्यू पे नहीं खेले हैं, रीसेंट फॉर्म आप चेकआउट कर सकते हो। मेगन शूट 15 मैचेस 18 विकेट हेड टू हेड मैचेस में, वेन्यू पे नहीं खेले हैं, बॉलिंग सेकंड में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 9 मैच में 14 विकेट निकाले हैं। डार्सी ब्राउन डिफरेंशियल पिक आज 5 मैच 6 विकेट, बॉलिंग फर्स्ट में 1 मैच 1 विकेट, बॉलिंग सेकंड में 4 मैच 5 विकेट, वेन्यू पे नहीं खेले हैं, रीसेंट फॉर्म आप चेकआउट कर सकते हो। बेंच में आपको अलाना किंग दिख सकते हैं अगर जेस जोनासन खेलते हैं इनके जगह, क्योंकि अलाना किंग का हेड टू हेड स्टैट देख लो, 7 मैच सिर्फ 3 विकेट है इंडिया वुमेन के सामने, वेन्यू पे नहीं खेले हैं, रीसेंट फॉर्म पिछले 4 मैचेस में 5 मैचेस में रहता विकेट नहीं आया है। हीदर ग्राहम किम गार्ड एनाबेल सदरलैंड नहीं खेलेंगी, स्टार्टिंग ओवर डार्सी ब्राउन मेगन शूट पेडी एंड टाइलर मैकग्रैथ आपको दिख जाएंगे, डेथ ओवर्स में मेगन शूट जेस जोनासन एशले गार्डनर आपको दिख जाएंगे। ओवर्स बोल्ड पिछले मैच में कौन सा बॉलर कौन से ओवर्स को डाले थे, देखो मेगन शीट फर्स्ट ओवर फिफ्थ ओवर 17th ओवर एंड 19th ओवर डाले थे पिछले मैच में, डार्सी ब्राउन सेकंड फोर्थ 11th एंड 13th ओवर डाले थे, गार्डनर 16th एंड 20th ओवर डाले थे, इंपॉर्टेंट है। जॉर्जी वेडहम 12th 14th एंड 18th ओवर डाले थे, उसके पहले वाले मैच में कौन से ओवर्स डाले थे आप यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। एलिस पेरी पिछले मैच में 2 ही ओवर डाले थे, 3rd एंड 9th। एलाना किंग सिर्फ 8th ओवर डाले थे, ग्रेस हैरिस 9th 11th 14th ओवर डाले थे, टाइलर मैकग्रैथ बॉलिंग नहीं किए थे और एनाबेल सदरलैंड 7th 10th एंड 15th ओवर डाले थे, ठीक है। अच्छा, बात करेंगे इंडिया वुमेन टीम के हेड टू हेड स्टैट, वेन्यू स्टैट एंड रीसेंट फॉर्म के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया वुमेन इस वेन्यू पे 3 मैचेस खेल चुके हैं, ठीक है। स्मृति मंदाना जब हेड टू हेड मैचेस खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया वुमेन के सामने 31 का एवरेज है, बैटिंग फर्स्ट करते हुए 33 का एवरेज, बैटिंग सेकंड में 30 का एवरेज, इंपॉर्टेंट लग रही हैं। हालांकि इनका कुछ क्रूशियल मैचअप्स है, अगर उनको वो ये पार कर लेते हैं तो आपको इस मैच में भी 25 30 35 रन्स बना के दे सकते हैं। वेन्यू पे हालांकि कुछ खास नहीं किए हैं, 2 मैच सिर्फ 23 रन है, बैटिंग फर्स्ट में एक बार 13, बैटिंग सेकंड में 10। फॉर्म चेकआउट कर सकते हो, पिछले दोनों मैचेस में काफ़ी अच्छा करते हुए आ रही हैं। शेफाली वर्मा 15 मैचेस 21 का एवरेज है हेड टू हेड में, बैटिंग फर्स्ट में 21 का एवरेज, बैटिंग सेकंड में भी 21 का एवरेज, वेन्यू पे 2 मैच 61 रन, दोनों बार ही बैटिंग सेकंड किए हैं 28 एंड 33। रीसेंट फॉर्म आप चेकआउट कर सकते हो, पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर लेती हैं। जिमेमा रॉड्रिग्स का हेड टू हेड रिकॉर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वेन्यू पे 3 मैच 98 रन
एक बार 44 किए हैं, एक बार 53 नॉट आउट, एक बार एक रन। तो वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा है, तीन में से दो बार अच्छा किए हैं, ठीक है। हरमनप्रीत कौर 29 मैचेस, 28 का एवरेज है हेड टू हेड में, बैटिंग फर्स्ट में 27 का एवरेज, बैटिंग सेकंड में जैसे कि मैं आपको बोल रहा था हेड टू हेड रिकॉर्ड जब मैं दिखा रहा था, 39 का एवरेज है बैटिंग सेकंड में। वेन्यू पे तीन मैचेस 76 रन, एक में 33, एक में 27 नॉट आउट, एक में 16, हर बार इनको स्टार्ट मिला है इस वेन्यू के ऊपर। ऋचा घोष 10 मैचेस 190 रन, बैटिंग फर्स्ट करते हुए तीन मैच 55 रन, बैटिंग सेकंड करते हुए सात मैच 135 रन। इस वेन्यू पे दो मैच 75 रन, दोनों बार ही बैटिंग सेकंड किए हैं, 44 एंड 31 नॉट आउट, तो वेन्यू पे रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। दीप्ति शर्मा इस वेन्यू पे दो मैच 4 विकेट, दोनों बार ही बॉलिंग फर्स्ट किए हैं। हेड टू हेड में 18 मैच 21 विकेट 293 रन, इंपॉर्टेंट है स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, ठीक है। पूजा वस्त्रकर हेड टू हेड रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, 5 मैच 3 विकेट है, वेन्यू पे 3 मैचेस 2 विकेट है। शिखा पांडे हेड टू हेड रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, 12 मैचेस सिर्फ 6 विकेट है, वेन्यू पे एक मैच 3 विकेट, तो वेन्यू पे एक ही मैच खेले हैं, 3 विकेट निकाले थे। राधा यादव हेड टू हेड रिकॉर्ड 13 मैच 9 विकेट, वेन्यू पे 2 मैच 2 विकेट, फॉर्म आप चेकआउट कर सकते हो। रेणुका सिंह 10 मैचेस 9 विकेट है हेड टू हेड में, वेन्यू पे 2 मैचेस 1 विकेट, तो रेणुका सिंह का रिकॉर्ड सो है हेड टू हेड बोल लो या फिर वेन्यू पे। राजेश्वरी गायकवाड़ 13 मैचेस 15 विकेट हेड टू हेड में, वेन्यू पे 3 मैचेस और 3 विकेट, फॉर्म आप चेकआउट कर सकते हो, कुछ खास नहीं है। बेंच में देविका वैद्य आपको दिख जाएंगे हेड टू हेड में, 5 मैच 80 रन 3 विकेट, जब इंडिया वोमेन ऑस्ट्रेलिया वोमेन के सामने पिछले साल खेले थे इंडिया के अंदर, तब ये खेले थे पांचों के पांचों मैचेस, ठीक है। यास्तिका भाटिया 4 मैचेस 33 रन, बाकी ये सारे प्लेयर्स तो खेलेंगे नहीं। स्टार्टिंग ओवर्स रेणुका सिंह डालती हैं दीप्ति शर्मा के साथ, शिखा पांडे एंड पूजा वस्त्रकर। डेथ ओवर्स में रेणुका सिंह का एक ओवर होता है, दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्रकर या फिर राजेश्वरी गायकवाड़। पिछले मैच में कौन सा बॉलर कौन से ओवर्स डाले थे, देखो रेणुका सिंह फर्स्ट थर्ड फिफ्थ एंड 20th ओवर डाले थे, मतलब पावर प्ले में 3 ओवर एंड डेथ में 1 ओवर। यहाँ पे भी देखो पावर प्ले में 2 ओवर, मिडिल ओवर में 1, डेथ में 1, ठीक है। शिखा पांडे सेकंड 7th 11th एंड 13th ओवर डाले थे, दीप्ति शर्मा 6th 8th 17th एंड 19th, डेथ में 2 ओवर है इनका, ठीक है। राजेश्वरी गायकवाड़ पिछले मैच में सिर्फ 9th ओवर डाले थे क्योंकि बारिश आ गया था। यहाँ पे पूजा वस्त्रकर 4th एंड 15th ओवर डाले थे, राधा यादव 12th 14th 16th एंड 18th ओवर डाले थे, शेफाली वर्मा 10th ओवर डाले थे, ठीक है। अच्छा प्लेयर बैटल चेकआउट कर लेंगे। स्मृति मंधाना मेगन शूट के सामने फंसी हैं, 175 बॉल्स में 7 बार आउट हो चुकी हैं। गार्डनर के सामने 135 बॉल्स में 9 बार आउट हो चुकी हैं। सदरलैंड तो नहीं खेलेंगी। डार्सी ब्राउन के सामने देखो 66 बॉल्स में 6 बार आउट हो चुकी हैं, ठीक है। बाकी जेस जोनासन के सामने 66 बॉल में 4 बार आउट हो चुकी हैं। मैगराथ शायद बॉलिंग नहीं डालेंगे इस मैच में। जॉर्जिया वेडहैम के सामने 5 बॉल में 1 बार आउट हुए हैं, 3 रन बनाए हैं। शेफाली वर्मा एलिस पेडी के सामने 4 बार आउट हुए हैं 64 बॉल्स में। डार्सी ब्राउन के सामने 3 बार 47 बॉल्स में। एलाना किंग के सामने 19 बॉल में 2 बार, ठीक है। गार्डनर के सामने 37 बॉल में 4 बार। तो शेफाली वर्मा आज काफ़ी रिस्की पिक होने वाली हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। जेमेमा रॉड्रिक्स मेगन शूट के सामने 46 बॉल्स में 3 बार। जेस जोनासन के सामने 35 बॉल्स में 3 बार। एलाना किंग के सामने 1 बार। यहाँ पे डार्सी ब्राउन के सामने 41 बॉल में 2 बार आउट हो चुकी हैं। एलिस पेरी के सामने 47 बॉल में 2 बार आउट हो चुकी हैं। हरमनप्रीत कौर मेगन शूट के सामने 6 बार। जेस जोनासन के सामने 5 बार। एलिस पेरी के सामने 7 बार आउट हुए हैं। गार्डनर के सामने 4 बार। एलाना किंग के सामने 2। सदरलैंड के सामने 2। हीदर ग्राहम के सामने 2। बट ये सारे नहीं खेलेंगे, ठीक है। ऋचा घोष मेगन शूट के सामने 1 बार। जोनासन के सामने 1 बार। एनाबल सदरलैंड के सामने 1 बार। गार्डनर के सामने 3 बार 50 बॉल्स में, ठीक है। दीप्ति शर्मा पेरी के सामने 40 बॉल्स में 3 बार आउट हुए हैं। मेगन शूट के सामने 46 बॉल्स में 2 बार। जोनासन के सामने 74 बॉल्स में 4 बार आउट हुए हैं। मैगराथ के सामने 2 बार आउट हुए हैं, ठीक है। यास्तिका भाटिया जिस जोनासन के सामने 1 बार, पेरी के सामने 1 बार, गार्डनर के सामने 1 बार, ब्राउन के सामने 3 बार। हर्लिन देओल एक बार जेस जोनासन के सामने आउट हुए हैं। एलिस हिली रेणुका सिंह के सामने 33 बॉल में 4 बार आउट हुए हैं, तो रेणुका के सामने एलिस हिली को संभाल के खेलना होगा। दीप्ति शर्मा के सामने 47 बॉल में 3 बार आउट हो चुके हैं। शिखा पांडे के सामने थोड़ा सा कम थ्रेट है, बट थ्रेट है, ठीक है ना। बेथ मुनी यहाँ पे शिखा पांडे के सामने 3 बार आउट हुए हैं।
दीप्ति शर्मा के सामने 4 बार आउट हुए हैं, हालांकि 202 बॉल्स भी खेले हैं। गायकवाड के सामने 77 बॉल्स में 2 बार। तो रेणुका सिंह इनको थोड़ा सा कम खतरे में डाली है। तो बेतमुनी का उतना कुछ खास मैचअप मुझे लग नहीं रहा, अगर बेतमुनी दीप्ति को थोड़ा सा अच्छे से खेल लेते हैं तो। ठीक है, मैगलेनिंग राजेश्वरी गायकवाड के सामने 5 बार आउट हुए हैं 82 बॉल्स में। ठीक है, राधा यादव के सामने 2 बार। तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स इनको खतरे में डाली है। रेणुका सिंह के सामने 14 बॉल में 1 बार आउट हुए हैं, दीप्ति के सामने 3 बार 62 बॉल्स में, और शिखा पांडे के सामने 4 बार। तो मुझे मैगलेनिंग आज थोड़ा सा खतरे में लग रही है ये प्लेयर बैटल को देखने के बाद। एशले गार्डनर शिखा पांडे के सामने 1 बार, देविके वैद्य के सामने 1 बार, राधा यादव के सामने 1 बार, दीप्ति के सामने 63 बॉल्स में 2 बार आउट हुए हैं, गायकवाड के सामने 50 बॉल में 1 बार। ठीक है, एलिस पेरी सरवनी के सामने 1 बार ये तो नहीं खेलेंगी, राधा यादव के सामने 2 बार, दीप्ति के सामने 2 बार, गायकवाड के सामने 3 बार, हालांकि 150 बॉल्स खेल चुके हैं, शिखा पांडे के सामने 4 बार आउट हुए हैं। ग्रेस हैरिस शिखा पांडे के सामने 2 बार, रेणुका सिंह के सामने 12 बॉल में 2 बार। ठीक है, और दोनों बार फर्स्ट इनिंग में। राधा यादव के सामने 25 बॉल में 1 बार आउट हुए हैं। ताहिला मैग्राथ यहां पे राधा यादव के सामने 1 बार, सरवनी के सामने 1 बार, रेणुका सिंह के सामने 1 बार, दीप्ति शर्मा के सामने 2 बार। तो दोस्तों फिलहाल मेरा फाइनल टीम कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा दिख रहा है, जहां पे कैप्टन मेरे गार्डनर होंगे, वाइस कैप्टन दीप्ति शर्मा। इसमें कुछ ज़्यादा लॉजिक है नहीं, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ऑस्ट्रेलिया वुमेन लग रही हैं, तो उनके एक प्लेयर को मैंने कैप्टन किया है, वाइस कैप्टन, इसलिए दीप्ति शर्मा है। आप चाहो तो रिवर्स भी कर सकते हो। यहाँ पे मैगलेनिंग को मैंने छोड़ा है। क्यों छोड़ा है? क्योंकि रिसेंटली जो मैंने प्लेयर बैटल देखा वहाँ पे ज़्यादा थ्रेट मुझे लग रहा था लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर के सामने मैगलेनिंग का। और इंडिया वुमेन के पास दो दो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, राधा यादव एंड आपको राजेश्वरी गायकवाड़ दिख जाएंगे। तो मुझे लगता है मैगलेनिंग फंस सकते हैं। अगर बैटिंग सेकंड होता है ऑस्ट्रेलिया वुमेन का, तो शायद मैं रेणुका के जगह सीधे सीधे यहाँ पे मैगलेनिंग ले लूँगा। अगर इंडिया वुमेन बॉलिंग फर्स्ट करते हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया वुमेन बैट फर्स्ट करते हैं, तो रेणुका ठाकुर मेरे टीम में सीधे सीधे आ जाएंगे। आप चाहो तो इनके जगह राजेश्वरी गायकवाड़ तो नहीं, मैं बोलूँगा पूजा वस्त्रकर को ले सकते हो, क्योंकि डेथ ओवर्स में इनका एक आधा ओवर होता है। ठीक है, इसमें डिफरेंशियल प्लेयर मेरे डार्सी ब्राउन है, मुझे लगता है थोड़ा सा थ्रेट हो सकता है, स्पेशली जो शेफाली वर्मा है या फिर जेमिमा रॉड्रिग्स, उनको डार्सी ब्राउन से थोड़ा बहुत खतरा हो सकता है। इवन मंदाना को भी थोड़ा बहुत खतरा हो सकता है। अगर मंदाना आउट भी हो जाते हैं तो मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे ओपोनेंट के टीम में भी मंदाना होंगे। तो फिर आके मिडिल ऑर्डर में हरमनप्रीत कौर एंड ऋचा घोष पाड़ी को संभाल सकते हैं, दीप्ति शर्मा तो है ही। ठीक है ना, सेम लॉजिक ऑस्ट्रेलिया वुमेन टीम के साथ भी है। दोनों ओपनर्स अच्छा कर सकते हैं। अगर दोनों ओपनर्स में से कोई एक रेणुका सिंह के सामने या फिर दीप्ति के सामने आउट हो भी जाते हैं, तो फिर मैगलेनिंग के सामने खतरा होगा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर का। अगर मैगलेनिंग भी आउट हो गए तो इधर से एलिस पेरी है 4 पे, गार्डनर है 5 पे पारी को संभालने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर जेस जोनासन आज खेलती हैं तो मेरे टीम में होंगे, स्पेशली अगर ऑस्ट्रेलिया वुमेन टीम बॉलिंग फर्स्ट करते हैं तो, और ज़्यादा मैं उनको रखने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो उस टाइम पे मैं कुछ चेंजेस कर सकता हूँ। फिलहाल मेरा कॉम्बिनेशन प्लेयर बैटल्स, हेड टू हेड स्टैट्स एंड वेन्यू स्टैट्स को देखने के बाद कुछ ऐसा ही रहेगा। ठीक है,